हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम गॉस के नियम के एक अनुप्रयोग जो कि है गॉस के नियम की सहायता से किसी अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है जिस तरीके से हमने लिखा है, ठीक है, कि गॉस के नियम की सहायता से किसी अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर या किसी बिंदु पर जो कि r दूरी पर स्थित है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है गॉस के नियम की सहायता से। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गॉस के नियम के टोटल तीन अनुप्रयोग हमको इस बार पढ़ने हैं। पिछली बार क्या था, दो ही अनुप्रयोग पढ़ना था, लेकिन इस बार हमको तीन पढ़ना है। एक हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा कर रहे हैं और तीसरा जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अगर समतल चादर की, ठीक है। तो चादर किस तरीके का होता है, चादर की अगर हम बात करें सीट, ठीक है, यानी कि आपकी कॉपी का पेपर वही तो होगा सीट। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई समतल विस्तार का क्या है, चादर, ठीक। ये हमने मान लिया कि ये कोई हमारा समतल विस्तार का एक समान रूप से आवेशित चादर है, ठीक, जो कि क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। ये हमारा क्या है, कोई एक समतल चादर है जो कि एक समान रूप से आवेशित है। अब इस चादर से r दूरी पर स्थित मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। हमने मान लिया कि माना इससे r दूरी पर यहां पे स्थित कोई पॉइंट P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर इस चादर के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा कोई समतल चादर है तो इससे r दूरी पर इधर भी एक पॉइंट होगा, r दूरी पर इधर भी एक पॉइंट होगा, दोनों साइड पॉइंट होगा कि नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ध्यान दोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, जैसा कि गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग जब हमने पढ़ाया था, अनंत विस्तार की कोई अगर चालक तार है यानी कि एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, एक दो बच्चों ने जो है उस पर ये कमेंट्स किया था कि सर कुछ समझ में आया है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा नहीं आया है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई समतल चादर है तो अगर इससे आर दूरी पर इधर कोई पॉइंट है, इससे आर दूरी पर इधर भी कोई पॉइंट होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इधर भी मान लेते हैं आर दूरी पर कोई पॉइंट स्थित है यहाँ पे, ठीक है, ये पी है तो ये मान लेते हैं पी डैश। अब अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है तो इस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्यों, क्योंकि ये एक समान रूप से आवेशित है, यानी कि इस पर इसके पूरे एरिया में पूरे क्षेत्रफल पे इसके पूरे क्षेत्रफल पे क्या है, क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, ठीक है। अब इसके कारण इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। अब ये समतल विस्तार की चादर है, वैद्युत ये एक समान रूप से आवेशित है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इसके लंबवत होगी, इसके लंबवत इस डायरेक्शन में होगी। तो जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसी डायरेक्शन में वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर है, इधर, और इस साइड देखो तो इधर है, ऊपर की तरफ तो है नहीं, तो ऊपर जब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ही नहीं है, प्लस आवेश को अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्लस आवेश हैं, तो ऊपर और नीचे की तरफ इसका जो क्षेत्र होगा वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो वही दो लाइन आप लिखिए कि माना कोई अनंत, माना कोई अनंत विस्तार की, माना कोई अनंत विस्तार की समतल चादर, समतल चादर एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। माना समतल चादर का
पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कितना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, ठीक है। चालक तार से समतल समतल चादर से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या काम करते हैं, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु को कवर करते हुए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इससे r दूरी पर स्थित यहाँ कोई पॉइंट P है, तो हम एक ऐसी गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे कि ये पूरा पूरा कवर हो जाए। तो ये पूरा पूरा कैसे कवर होगा, किस फॉर्म में कवर होगा, यानी कि अगर ये कोई बेलनाकार पृष्ठ की हम परिकल्पना करें और ये जो पेन है ये पेन बेलन के अंदर रहेगा, तो यानी कि ये पूरा पूरा ढका रहेगा, पूरा पूरा कवर रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से तो यहां पे लिखिए बिंदु पी को, बिंदु पी तथा पी डैश को, बिंदु पी एंड पी डैश, ठीक, बिंदु P व P' को कवर करते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते, ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, ठीक। अब उस गॉसियन पृष्ठ को हम लोग क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं, जिस गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं। इस तरीके से देखो, एक हमने गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना किया। अब यहां पे इसका जो बिंदु P है और P डैश है वो पूरी तरीके से क्या है, इस सिलेंडर के अंदर क्या है, कवर हो चुका है, ठीक। तब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये दो तरीके से प्राप्त होगा, कैसे, अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित चालक तार वाले में ये कहानी हमने आपको बताई थी। एक तो इसके कहां से निकलेगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से, यानी कि अगर इसको हम मान लें एरिया ए, इसको बी मान लें, ठीक है, तो क्षेत्र ए और बी से गुजरेगा। दूसरा इसके वक्र पृष्ठ से गुजरेगा, ठीक है, तो क्या मिल गया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि जो इसके वक्र पृष्ठ पर अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या है, इधर है, और इसके अनुप्रस्थ काट यानी कि ए, इसका क्षेत्रफल वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में है, ए कैप की डायरेक्शन, ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर।
और यहां अगर इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहां पे थीटा का कोण, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहां पे थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब जहां थीटा का मान 90 डिग्री होता है तुरंत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है 0, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बताई गई है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, यानी कि ई डीएस कॉस थीटा, ई डीएस कॉस थीटा, ठीक है, बात समझ में आई, ई डी एस कॉस थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे गौसियन पृष्ठ के, गौसियन इसे चाहे आप बना लो समीकरण नंबर एक, ठीक है, गौसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से, गौसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। तो जब कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा क्या, जरा उसको देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा, केवल और केवल अनुप्रस्थ पृष्ठ से, तब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किससे, वक्र पृष्ठ वाला तो जीरो हो गया, यह है क्या अनुप्रस्थ पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, यानी कि ई डॉट ए, ई डॉट ए और प्लस ई डॉट ए, ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, क्यों दो चीज बार बार प्लस क्यों किया गया, इसका मतलब यह है कि एक तो इधर वैद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर ई डॉट ए, ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना है ए, और इसका भी क्षेत्रफल कितना है ए, ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल कितना है, इधर से एक वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा फाई बराबर ई डॉट ए, ठीक है, इसको भी चौथ पॉइंट बी रख लो, ठीक है, इसका मान पॉइंट ठीक, इसको भी पॉइंट ए डैश कर लो, ठीक, बात समझ में आ गई। तो कितना हो गया ई प्लस ई, तो ये कितना हो जाएगा फाइव ई बराबर टू ई डॉट ए, यानी कि ये कितना हो जाएगा टू ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान यहां कितना है जीरो डिग्री, तो टू ई ए कॉस जीरो अंश, और कॉस जीरो का मान कितना होता है एक, तो टू ई ए कितना आ गया 2EA, ये आ गया क्या फाइ ई इक्वल टू, ये कुल वैद्युत फ्लक्स है फाइ, इसको बना लो समीकरण नंबर दो, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब गॉस की परमेय क्या कहती है, गॉस की परमेय, ठीक, गॉस की परमेय क्या कहती भाई, गॉस की परमेय यही कहती है कि कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन ना, ठीक है। तो समतल चादर पर उपस्थित कुल आवेश कितना है, समतल चादर पर कुल आवेश कितना है भाई, कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, देखो आवेश घनत्व की परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं,
आवेश घनत्व की परिभाषा यही ना जानते हैं, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता, कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो कुल आवेश क्यू बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा, यह है क्या चीज आवेश घनत्व, और यह क्या चीज है गुणे क्षेत्रफल, आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा इंटू ए, कितना सिग्मा इंटू ए, यानी कि क्यू बराबर कितना आ गया सिग्मा इंटू ए। ठीक, तो अब गॉस के नियम की सहायता से हमको क्या मिल गया भाई, फाई ई कुल वैद्युत आवेश, ठीक कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कुल आवेश कितना है सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर तीन। समीकरण दो तथा तीन से, समीकरण दो व तीन से, समीकरण दो और तीन से क्या दिख रहा है राइट हैंड साइड, यानी इसका फाई ई फाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा अपने आप बराबर होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है इसका फाई ई, तो यहां से क्या हो जाएगा टू ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां पे देखो इस ए से ये कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू कितना आ गया इधर बचा टू ई, दो से इधर कर दो भाग, तो ई बराबर आ गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है किसी भी अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है फार्मूला, एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देके समझ लो, जिसको भी नहीं समझ में आया बेटा एक बार फिर से देख लो। इसमें क्या है, इसमें पूछा क्या क्या गया है सबसे पहले उस पर ध्यान दो। पूछा यह गया है कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है कोई समतल विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर है। अब चादर का मतलब है जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है ये कोई एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है। ठीक, इस पे एक समान रूप से आवेश है। अब इस चादर से अगर हमें r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो बिंदु किधर किधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों साइड होगा। ठीक, तो इधर भी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी होगी उतने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे r दूरी पर इधर भी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब गॉस के नियम की सहायता से जब कुछ भी निकालते हैं तो उसका सिंपल स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु को कवर करता हुआ हम क्या करते हैं एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तो ये बिंदु P था, ये बिंदु इधर P डैस था, तो इसको कवर करता हुआ हम क्या किए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिए। कैसा पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, यानी कि इस प्रकार से कोई बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिए। अब बिंदु P इसके अंदर है, यानी कि यह पूरी तरीके से ढक गया कवर हो। ठीक, अब ये बात दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप यह है कि जो हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, अब जिस गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, वही सिंपल स्टेप यहां पे लिखा हुआ। ठीक है, हमने क्या किया सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, ये पॉइंट नंबर वन यानी कि पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितने होंगे, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स दो तरीके से होगा, एक तो जो गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं उसके वक्र पृष्ठ से, वर्ष के वक्र पृष्ठ से। ठीक है, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। समझ में आ रहा कैसे, जैसे मान लीजिए यही तो था हमारा, यही तो गॉसियन पृष्ठ है, तो इधर से वैद्युत फ्लक्स कितना पास करेगा और इस साइड से कितना पास करेगा, दोनों हमें जोड़ना है। तो इधर से इसके वक्र पृष्ठ से इधर तो वैद्युत फ्लक्स दोनों साइड हो गए जीरो, जो भी वैद्युत फ्लक्स मिलेगा इस साइड मिलेगा और इस साइड मिलेगा। ठीक है, केवल दोनों साइड मिलेगा, तो वही चीज क्यों जीरो होगा वो भी कारण है। देखो, गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। तो जब इसके बीच 90 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है, जहां पे क्योंकि फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई
ए कॉस थीटा, और जैसे ही कॉस थीटा का मान 90 रखोगे तो तुरंत फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ वाला क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास केवल बचा है अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल। अब एक अनुप्रस्थ काट इस साइड भी है और एक इस साइड भी है, ठीक है। तो अगर इधर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ई ए, ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा होगा, तो इधर से भी गुजरने वाला ई ए कॉस थीटा होगा, इधर से भी वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया भाई, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, ठीक है। तो वही चीज हमने क्या कर दिया, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, ठीक। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, दोनों बराबर है, दोनों जुड़ गए, टू ई डॉट ए यानी कि टू ए कॉस थीटा, ठीक है। अब फाइव ई बराबर कितना हो गया, टू ई ए कॉस थीटा। अब फिर क्या किया हमने, फिर जैसे ही संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकलता है तुरंत स्टेप नंबर फोर यह है, तुरंत गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स फाइव ई बराबर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कुल आवेश बटे ε0, ठीक। अब यहां पे हमें इस पर ये मालूम नहीं है कि कितना आवेश है, लेकिन इसका आवेश घनत्व तो मालूम है, हमें ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है कि इस पे कुल कितना आवेश है, लेकिन इसका आवेश घनत्व तो सिग्मा है, ये बात मालूम है। यहां पे देखो इसका आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ये बात मालूम है, ठीक है। तो आवेश घनत्व तो बराबर क्या परिभाषा होता है, आवेश घनत्व तो बराबर होता है कुल आवेश और बटे क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो आवेश घनत्व की ये परिभाषा होती है क्या, सिग्मा इक्वल टू होता है कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो जब कुल आवेश बटे क्षेत्रफल होता है तो यहां से कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो देखो कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ठीक। कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए। अब कुल आवेश की जगह हम क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू ए, नीचे एप्सिलॉन नॉट है ही है, तो ये हो गया गॉस की प्रमेय से समीकरण नंबर तीन, इसको हमने बना लिया। समीकरण नंबर दो और तीन को अगर हम कंपेयर करें तो इधर फाइ ई है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में फाइ ई है, दोनों एक ही इक्वेशन है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए मान किसका, ई का, तो देखो टू ई ए बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक। नीचे दो, इधर दो से गुणा, दूसरी साइड जाएगा दो से भाग हो जाएगा, यही हमारा क्या निकल के आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई, किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल के आ गई किसी भी एक समान रूप से समतल आवेशित चादर के कारण, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अब आ जाओ आगे कुछ काम की बातें करते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से, तो भाई वापस आ जाओ, इतना क्यों हैंग कर रहे हो। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है आप सभी लोगों के लिए कि जिन भी बच्चों के पास अभी भी बुक नहीं है वो शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, या जिसके पास बुक है वो भी, सभी लोग क्या कीजिए, शुभम क्लासेस का जो ये ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्यों कहा जा रहा है, शुभम क्लासेस का ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आप सभी लोगों के लिए एक टॉप 100 बैच दिखाई देगा, ठीक है, टॉप 100 बैच दिखाई देगा, जिसमें शुरुआत के 500 छात्रों के लिए अभी ऑफर चल रहा है, जो कोर्स के साथ साथ में क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कोर्स के साथ है ना, यानी कि अगर आप कोर्स परचेज करते हो
तो उसके साथ साथ में आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है, क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा। और कोर्स की जो अभी प्राइस है वो केवल 999 रुपए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लाइव क्लास, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और लास्ट थ्री ईयर के पेपर और 3 सैंपल पेपर अलग से, ठीक है, इसमें प्लस 3 सैंपल पेपर भी, 3 सैंपल पेपर। तो ये इतनी चीजें मिल रही, लेकिन अगर आप इसमें और भी डिस्काउंट चाहते हो तो इसमें आप एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, संजीव सर, ठीक है, संजीव सर, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे, चाहे तो आप स्पेस देके लिख लो या फिर कंटिन्यू लिखोगे तो भी ये कूपन काम करेगा, दोनों ही कंडीशन में। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 100 रुपए का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इस बैच के अंदर जो स्क्रीन पर जितनी भी चीजें लिखी जा रही हैं ये आप नोट करें या ना करें, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाया करेगी, ठीक है। तो सारी चीजें जो है इस ऐप के अंदर आपको मिलने लगेगी, और अब ऐप का काम और भी तेजी से होगा, क्योंकि ऐप आशीष सर जो हैंडल करते थे उनकी शादी हो चुकी है, अब वो वर्क पे आने लगे हैं, ठीक है। तो अब जो है जितने भी आपके पेंडिंग काम थे ऐप से रिलेटेड, वो सारी चीजें जो है अब ऐप के अंदर आपको मिलने लगेगी, ठीक है। तो जल्दी जो है आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए जो ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, एक कल पढ़ाए थे, एक आज पढ़ा दिए, ठीक है, एक बचा है उसको अगले दिन देख लेंगे, ठीक है। तो जितने अनुप्रयोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको 1 by 1 करके आराम से बिल्कुल देखते रहिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।